नमस्कार, मैं रंजन कुमार अमृत तिथि न्यूज़ से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार जी, अपना परिचय देंगे जरा। मेरा नाम राकेश कुमार है और हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बिहार में विकलांग जनों का जन संगठन बिहार विकलांग अधिकार में, जिसके हम राज्य सचिव। नमस्कार जी, एक सवाल है आपसे। परिवार में भी जो है जो दिव्यांग है वो उपेक्षित शोषित है और उन्हें जो है संपत्ति में भी अधिकार नहीं दिया जाता, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो परिवार के अंदर ये मानसिकता बदलनी होगी, क्योंकि उनको लगता है कि दिव्यांग है तो एक बोझ है और बोझ वो समझते हैं अपने बच्चे को। दूसरी बात है कि उनकी नियत होती है कि इनकी शादी नहीं होगी और उनकी संपत्ति को कब्जा, क्योंकि उनकी आवाज़ कौन सुनेगा। आप दिव्यांगता को देखेंगे कि जो नहीं समझने वाला मानसिक दिव्यांग, नहीं देखने वाला नेत्रहीन दिव्यांग, नहीं बोलने वाला मुख बधिर दिव्यांग, नहीं चलने वाला चलंत दिव्यांग, तो ऐसे लोगों को कौन देखेगा? जहां न्यायपालिका बिक गई हो, कार्यपालिका काम नहीं करती हो, विधायिका खरीदी जा रही हो, थाना बिक जाता है। तो आम नागरिक हैं जिनका हाथ पैर मजबूत है, शारीरिक रूप से मजबूत है, उनकी संपत्ति में बेदखली होती है, तो जो दिव्यांग हैं इनको हक और इनका जो अधिकार है इनके हक अधिकार से बेदखली किया जाता है। और जब ये न्याय की ओर जाते हैं तो इनको न्याय नहीं मिलता है। हम एक घटना बताएंगे आपको, झारखंड का घटना है। एक भाई ने, भाई भोजाई ने एक दिव्यांग को, जो 24 साल का दिव्यांग था, सिर्फ बंटवारे के नाम पे लाठी से पीट पीट कर मार डाला। एक मनेर की घटना है, एक बुजुर्ग आदमी थे दिव्यांग, उनको हसुली से गला काट दिया। तो ये सही कह रहे हैं कि परिवार के लोग भी दिव्यांगों को एक मरीज की तरह ट्रीट करता है। यदि दिव्यांग अपने जीवन को जीता है तो उसको संपत्ति से कैसे बेदखल किया जाए, उस संघर्ष में न्याय नहीं होता। और समाज भी खामोश रहती है इस मामले में। समाज है कहाँ, आप किस समाज की कल्पना करते हैं? आज यदि समाज होती तो आप जैसे मीडिया को हम धन्यवाद देंगे, क्योंकि चौथी स्तंभ है जो मेरी मुद्दा को उठा रहे हैं। आप बताइए कि सरकार कहती है कि 21 प्रकार की दिव्यांग है, यानी समाज में 100 लोग हैं उसमें 21 लोग दिव्यांग हैं। तो क्या जी, अभी आज़ादी के बाद से आज तक न दिव्यांगों के लिए एक आयोग बना और न ही दिव्यांगों को राजनीति भागीदारी मिला। एक भी विधानसभा का मेंबर नहीं है दिव्यांग आदमी। और तो छोड़ दीजिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार जैसे राज्य में जो नेत्रहीन दिव्यांग लड़की है, याद कीजिएगा माननीय मुख्यमंत्री जी ये हमेशा कहते हैं कि बिहार में लड़कियों का शिक्षा ज़्यादा है, लेकिन नेत्रहीन लड़कियों के लिए आज़ादी के 75 साल के बाद भी एक भी सरकारी विद्यालय नहीं। ये विडम्बना हमारा बिहार का, हमारे देश का विडम्बना। अगर है भी तो क्या कहते हैं, वहाँ सभी सुविधाएं नहीं है सर, हम है भी ना कहा। और वहाँ यहाँ जो है वो क्या कहते हैं, कुम्हरार प्राइवेट है, प्राइवेट हो, सरकार की नहीं है। अगर प्राइवेट भी है तो वहाँ भी अगर अधिकारों का हनन होता है तो वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं उठता है, नहीं। मीडिया में भी उसके लिए जगह नहीं है। और भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद।